कांग्रेस की जीत का जश्न वार्ड नंबर 243। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया।
जी लो, मनाई किसी को नहीं, मनाई किसी को नहीं, जीत हमारी, जीत हमारी होगी, पक्की पक्की पक्की। हाँ जी, मेहनत वसूल हो गई, मेहनत वसूल हो गई।
खुश हो गए वो प्रसाद देखा सारे कांग्रेस वाले हैं इस्तकबाल में हो आप बिल्कुल बिल्कुल चलिए इस्तकबाल बहुत बढ़िया इस्तकबाल में आप आज देखिए ये सारी भीड़ जो है ये कांग्रेस पार्टी के हाजी खुशरू के स्वागत में लगी हुई है और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है आपको मैं दिखा रहा हूँ सारी पार्टी जो है वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे हाजी खुशरू की बेगम सबीला के इस्तकबाल में तैयार खड़े हुए हैं यहाँ पर ये लोग ये देखिए सारे जितने भी मेंबर हैं सब कांग्रेस के इस्तकबाल में खड़े हुए हैं ये देखिए ये सारे कदर जोश है इनके अंदर और ये देखिए इधर सब बहुत ही जोश और खरोश के साथ यहाँ मोटरसाइकिलों पे हैं और कुछ पैदल खड़े हुए हैं ये मैं दिखा रहा हूँ आपको और जैसे ही ब्रिजपुरी की पुलिया ये मेरे सामने आप बोर्ड देख रहे हैं सभी लोग आ रहे हैं देखिए सारी पब्लिक वहीं पर मैं आगे तक जहाँ तक है मुझे मिल रहा है मैं जा रहा हूँ सारी भीड़ जो है आज खुशरू के इस्तकबाल के लिए ये लोग खड़े अरे सब लोग खड़े हैं इस्तकबाल के लिए सब सबीला बेगम के सबीला बेगम के इस्तकबाल में जावेद चौधरी के इस्तकबाल में खड़े हुए हैं ये देखिए सब खड़े हुए हैं यहाँ पर कांग्रेस की बहुत अच्छी जीत हुई है सब लोग उसी इस्तकबाल में यहाँ पर खड़े हुए हैं ये देखिए सारे सभी लोग इस्तकबाल में खड़े हुए हैं और ये थोड़ा सा लाइट इधर आ रही है हाँ लाइट आप हिंद मीडिया आपका साथ दिया देखो आखिर तक हमने और यहाँ पर जो हमारे चरित्र जितने बेहतरीन जितनी तारीफ की जाए हसन साहब की कम है उनके सुपुत्र साहब खड़े हुए हैं ये जीत आप किस तरह से मानते हैं ये जीत पूरे मुस्तफाबाद विधानसभा की जीत है और यकीनन ये लोग परेशान थे जब से यहाँ विधायक बनाया था जब से इन्होंने अपने लोक
विधायक हसन अहमद साहब को यहाँ से हराया था, तब से लोग परेशान थे और आज देखिए ये इस बात की चलते चलते चलो बोलो शबीला बेगम जीत रही है, आपको कैसा लग रहा है? ये आगे से लड़ा होगा जी, सबको ज्यादा खुशी है क्योंकि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है। इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे, हम जीतेंगे आगे भी। एमसीडी में जैसा पूरा कर दो जमाए, इंशाल्लाह आगे सुन आगे भी अगली बार जीतेंगे। आदम भाई भी आएंगे, आदम भाई जी। हमारी आ रही फोटो। हाँ, अब बताएं इस जीत को किस रूप में मान रहे हैं आप? ये मैं अभी कह चुका हूँ और मैंने वीडियो भी डाली है कि ये पूरी मुस्तफाबाद विधानसभा की जीत है और ये लोग अपने प्रिय विधायक हसन अहमद साहब को यहाँ से हरा के बहुत बहुत लोग चिंता। इस क्षेत्र से कितनी सीट मिली आपको? हमें 2 सीटें मिली है। मैं अली माई को भी हारा नहीं मानूंगा, 300 वोट से हारना कोई हार नहीं होती और उन्होंने पूरी विधानसभा ने उनको भी अच्छा वोट दिया। मैं यहाँ से 3 सीटें जीती भी मानता हूँ। अब आपको क्या उम्मीद लग रही है आने वाले 2024 के चुनाव में? हसन अहमद हसन अहमद दिल्ली में 8 कांग्रेस की सीटें आई हूँ, वहाँ पे 2 हमारी सीटें हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उस अल्लाह का मैं जितना शुक्र करूँ और इन विधानसभा के लोगों का जितना शुक्र करूँ उतना कम। शुक्रिया। एक लेडीज भी खड़ी हुई है, आप इनके पास आ जाओ। उनकी जावेद की अम्मी है। बोल दो ना, आपकी अम्मी है। आराम से सही से सोच समझ के। अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को यहाँ पे लाया। और यहाँ पर जो जावेद चौधरी हैं उनकी अम्मी मौजूद हैं, जरा सा इधर आ जाएं। आप अपने बेटे की जीत को क्या मान के चल रही हैं? आप अपनी बेटे की जीत को क्या मान रही हैं? मैं ये कहती हूँ कि मेरे बेटे के साथ में सबने साथ दिया है, हसन अहमद भाई ने सबने साथ दिया है, हसन अहमद साथ रहेगा। बड़ी जनता ने बहुत साथ दिया। आप क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहती हैं? जैसे हसन भाई ने उनके बच्चों ने जीता है, शुक्र अदा कर जी ठीक और सब क्षेत्रवासियों का काम भी कराएंगे आप? और ये ब्रजपुरी की पुलिया पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी पीछे भी तक जो है कांग्रेस प्रत्याशियों के जीतने का जो जश्न मनाया जा रहा है, यहाँ पर सारे आदमी बैठे हुए हैं और इधर भी सब पब्लिक खड़ी हुई है इस्तकबाल में उनके। ये ब्रजपुरी की पुलिया, सारी पुलिया जो है यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है, सारी पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। चारों तरफ देखिए यहाँ पर काफ़ी जाम लगा हुआ है।
हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब।